नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन क्लास है। और इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारीकियों के बारे में समझेंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चन मैं बनवाऊँगा वो आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिंदी में हम बोलते हैं लाभ, और लॉस को हम हिंदी में बोलते हैं हानि। ठीक है, प्रॉफिट को हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और लॉस को हम हिंदी में बोलते हैं हानि। अब देखिए, यहाँ है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य। सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। यहाँ है एसपी। एसपी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। एसपी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस और हिंदी में हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, सूचित मूल्य या छपा मूल्य। अंकित मूल्य, सूचित मूल्य या छपा मूल्य। इसका मतलब यह है कि यदि आप कोई वस्तु, दवा या फिर कुछ भी खरीदते हैं, तो आप पीछे देखे होंगे कि लिखा हुआ रहता है एमआरपी। तो एमआरपी जो होता है वह छपा हुआ मूल्य है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है छपा मूल्य, सूचित मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। और लॉस, लॉस का मतलब होता है हानि। लॉस का मतलब होता है हानि। अब आगे देखिए, समझिएगा बात। नोट है कि कोई भी दुकानदार छूट हमेशा एमआरपी पर ही देता है। कोई भी दुकानदार छूट हमेशा एमआरपी पर ही देता है। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु लेते हैं और उस पर एमआरपी दिया हुआ है 300 रुपया। एमआरपी दिया हुआ है 300 रुपया। तो एमआरपी अगर 300 रुपया दिया है, अब इस तरह समझिए इसको, 300 रुपया दिया है और दुकानदार किसी और से उसी वस्तु को 250 रुपया में ख़रीदा है। तो 250 रुपया में ख़रीदा है, तो 250 रुपया क्या है? सीपी यानी क्रय मूल्य है। तो 250 रुपया में दुकानदार किसी और से ख़रीदा, और अगर वह 250 रुपया में आपको 20% छूट देगा, 250 रुपया में यदि 20% छूट देगा, तो उसको तो घरे से घाटा हो जाएगा। अरे खरीदा वो 250 रुपया में और उसमें आपको 50 रुपया का छूट देगा, तो यानी 200 रुपया में तू नहीं ना बेचेगा, बेचेगा तो उसको घाटा हो जाएगा ना। तो वह कभी भी क्रय मूल्य पर उसको नहीं बेचेगा, जब भी उसको छूट देगा तो एमआरपी पे छूट देगा, यानी 300 रुपया जो उस पर छापा हुआ मूल्य है उस पर छूट देगा। कभी भी दुकानदार क्रय मूल्य पर छूट नहीं देता है। छूट किस पे देगा? एमआरपी यानी आपको छपा मूल्य पे छूट देगा। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा सीपी। सीपी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस दाम पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने 300 रुपया में उसको खरीदा, किसी दुकानदार से आपने 300 रुपया में उस वस्तु को खरीदा, तो यह जो 300 रुपया मूल्य है, यह 300 रुपया जो मूल्य है, ये खरीदने का ना मूल्य है। 300 रुपया यह मूल्य जो है खरीदने का मूल्य है। तो खरीदने के मूल्य को हम कहते हैं क्रय मूल्य। ये ध्यान रखिएगा, खरीदने के मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और इसी को हम कॉस्ट प्राइस या सीपी कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी को हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। कह रहा है कि जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम एसपी कहते हैं। जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम एसपी कहते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास कोई पुरानी बाइक है, आप उसको बेच रहे हैं। मान लीजिए कि वह बाइक आप 50,000 रुपया में बेच रहे हैं। तब 50,000 रुपया में बेच रहे हैं, तो यह जो 50,000 मूल्य है, ये बेचने का मूल्य है, ये बेचने का मूल्य है, और बेचने के मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक। और सेलिंग प्राइस को ही हम कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी बेचने के मूल्य को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला है लाभ। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो ध्यान दीजिएगा,
जब किसी वस्तु का एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो लाभ होगा। ठीक, जब किसी वस्तु का एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो एसपी ज्यादा हुआ ना और सीपी कम हुआ ना, तो देखिए इसको समझिएगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका एसपी यानी बेचने का मूल्य जो है वह 310 रुपया है और खरीदा गया था वह 300 रुपया में। वही वस्तु खरीदा गया था 300 रुपया में और बेचा अपने 310 रुपया में। आप इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए कि आपने कोई दुकानदार के पास गए, वहाँ से आपने 300 रुपया में कोई मतलब आपने कोई वस्तु खरीदा, कपड़ा खरीदा, तो आपने 300 रुपया में कोई कपड़ा खरीदा, यानी सीपी हुआ 300 रुपया, सीपी हुआ ना 300 रुपया, और उसको आप बेच दिए ले जाकर के 310 रुपया में। कपड़ा खरीदे थे आप 300 में, आप बेच दिए 310 रुपया में। खरीदिएगा 300 में, आप बेचिएगा 310 में, तो आपको 10 रुपया लाभ ही ना होगा, यानी लाभ होगा तो मतलब प्रॉफिट हुआ, तो यही होता है आपको। और लाभ के केस में हमेशा एसपी ज़्यादा होता है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, बात एकदम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका हानि, किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम दाम में बेचें तो हानि होगा, किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम दाम में बेचें तो हानि होगा। मतलब आप खरीद रहे हैं आपको ज़्यादा में, यानी खरीदने का मूल्य यानी सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो इस केस में जो होगा वह क्या होगा, आपको लॉस होगा, हानि होगा। तो कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को खरीदे 310 रुपया में, कोई कपड़ा है आपने खरीदा 310 रुपया में, और उस कपड़े को आप अपने दुकान पर ले गए बेचने के लिए। अब बेचने के लिए ले गए या फिर घर में ही आप ले जाके उसको बेच रहे हैं, तो 310 रुपया में आपने खरीदा, आप बेच दिया उसको 300 रुपया में, तो एसपी कम हो गया और सीपी ज़्यादा हो गया ना। तो यानी खरीदे हैं आप 310 में, आप बेचिएगा 300 रुपया में, तो घरे से आप 10 रुपया लगा के बेच रहे हैं ना, तो अरे घरे से 10 रुपया आपको घाटे ना गया, तो घरे से ये जो 10 रुपया घाटा गया, ये जो घाटा गया आपको 310 में, 300 रुपया में आप बेच दिए 310 का सामान, तो घाटा जो गया वो कितना रुपया गया, 10 रुपया का घाटा गया। तो यानी कि हानि के केस में क्या होता है, आपको कॉस्ट प्राइस जो होता है ज़्यादा होता है और एसपी जो होता है वह कम होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इस चीज़ को इस तरह भी आप ध्यान रख लीजिए कि अगर एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा तो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक, अगर सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा तो आपको क्या होगा, लॉस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है, कोई एक याद कर लीजिए, आपको दोनों याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझिएगा, जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है, और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पर लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। ठीक है, और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पर लिखते हैं। देखिए समझिएगा इस मैटर को, मान लीजिए कि पूरे प्रश्न में आपको खरीदने का मूल्य आपको रुपया में बताया गया है, बेचने का मूल्य भी आपको रुपया में बताया गया है, या फिर आपको रुपया में ही बताया गया है कि हानि हुआ, रुपया में ही बोला गया है कि आपको लाभ हुआ। तो यानी कि जब रुपया का आपको चर्चा आएगा पूरे क्वेश्चन में, रुपया का आपको चर्चा आएगा क्वेश्चन में, और आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना होगा, तो आप सीपी पर उसको लिखिएगा, यानी सीपी पर ऐसा हम लिखते हैं उसको। ठीक, चलिए इसको आप समझिएगा एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर और 500 रुपया में बेच दी जाती है तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर और 500 रुपया में बेच दी जाती है तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 500 रुपया में खरीदा गया, यानी खरीदने का भी रुपया में दिया हुआ है, और आपको एसपी यानी कि आपको बेचने का मूल्य भी रुपया में दिया हुआ है, ये 550 रुपया दिया हुआ है, गलती से मैंने 500 लिख दिया है। खरीदने का मूल्य है आपको 500 रुपया, बेचने का मूल्य है 550 रुपया,
कह रहा है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बताइए, तो ये अमाउंटे का ना केस हुआ, ये अमाउंटे का ना केस हुआ। अरे अमाउंट का केस इसलिए हुआ क्योंकि देखिए रुपया का चर्चा है, एक बार 500 रुपये का चर्चा है, एक बार 550 रुपये का चर्चा है, तो इसका मतलब रुपया का चर्चा है पूरे क्वेश्चन में। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन में आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना होगा तो आपको निकालना होगा सीपी पर, उस पर सीपी पर निकालना होगा। तो कैसे, तो देखिए आपको यहाँ निकालना है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बटा सीपी गुना 100। तो लाभ बटा सीपी गुना 100 किस केस में, तो अमाउंट के केस में, और यही आपको बोल रहा है सीपी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, खरीदने का मूल्य कह रहा है आपको सीपी 500 रुपया है, बेचने का मूल्य कह रहा है एसपी आपको 550 रुपया है। अरे भाई सीपी आपको 500 रुपया, एसपी आपको 550 रुपया। तो मैंने आपको बताया था कि यदि एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो तो आपको हमेशा लाभ होगा। लाभ होगा क्यों, क्योंकि आप अगर किसी वस्तु को 500 में खरीदिएगा आप बेचिएगा 550 रुपया में, तो 50 रुपये का आपको लाभ ही ना होगा। तो 550 रुपये का में 550 रुपये में बेचने पर 500 रुपये के वस्तु को 50 रुपये का लाभ हुआ। अब जब लाभ हो गया तो फॉर्मूला पर बिठा दीजिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ है आपका 50, तो यहाँ पे आप 50 लिख दीजिए ऊपर में, और सीपी पे निकालना है। यही ना बोल रहा है कि अमाउंट के केस में सीपी पे निकालते हैं, तो क्वेश्चन आपका अमाउंटे का ना केस है क्योंकि रुपया का चर्चा है इसमें। तो यहाँ देखिए सीपी आप बिठा दीजिए, 500 रुपया सीपी है, तो मैंने नीचे सीपी लिख दिया, 50 में सीपी आपको कैलकुलेट कर दीजिए, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से आपको 500, 50 से 500 कट गया 10 मरतबा में, और 10 से 100 कट गया आपको 10 मरतबा में, यानी 10% आपको आंसर आ गया। ठीक, यानी 10% क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है कि जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो पीछे वाला ही बात हो गया आपका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहते हैं, और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पे, देखिए भाव का केस आप समझिएगा, भाव का केस आप समझिएगा। देखिए पूरा सवाल में भाव के केस में क्या है कि पूरे सवाल में रुपया का चर्चा नहीं हो, चाहे प्रॉफिट के रूप में, चाहे आपको लॉस के रूप में, चाहे सीपी के रूप में, चाहे एसपी के रूप में, चाहे एमआरपी के रूप में, रुपया का चर्चा पूरे सवाल में नहीं हो तो हम उसे भाव का केस कहते हैं। बात समझ में आ गया, तो ध्यान दीजिएगा, यही ना कह रहा है कि जब सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहते हैं, और भाव के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पर निकालते हैं। यानी पूरे सवाल में आपको रुपया का चर्चा नहीं हो, चाहे वह क्रय मूल्य के रूप में हो, चाहे आपको विक्रय मूल्य के रूप में, चाहे लाभ के रूप में, चाहे हानि के रूप में, चाहे एमआरपी के रूप में, रुपया का चर्चा एकदम नहीं हो सवाल में, तो उस पे उसको हम कहते हैं भाव का केस। और इस केस में आपको जो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना होता है वह एसपी पर हम लिखते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। पर यहाँ पे उदाहरण है कि 10 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो पूरा व्यापार में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 10 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो पूरे व्यापार में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आम जो है उसका क्रय मूल्य है 10, यानी मान लीजिए कि हमने 10 गो आम खरीदा और 12 गो आम बेच दिया, 12 गो आम बेच दिया। पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहीं रुपया का चर्चा है, इस क्वेश्चन में कहीं भी रुपया का चर्चा है, यहाँ खाली कह रहा है कि 10 आम है, यहाँ 12 आम, और कहीं भी कुछ भी चर्चा नहीं है रुपया का। तो यानी ये भाव का केस है, ये भाव का केस है। अब भाव के केस में क्या है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हम हमेशा एसपी पर निकालते हैं। तो देखिएगा 10 आम है, उसका सीपी 10 आम और एसपी आपको 12 आम, यानी कि आपको सीपी जो है वह कम है और एसपी जो है वह ज़्यादा, यानी बेचा गया है आपको 12 आम
और खरीदा गया है आपको 10 आम, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में रुपया का चर्चा नहीं है। तो देखिए आपको सीपी हो गया 10, अरे कह रहा है यही ना कि 10 आम जो है वह 12 आम के, मैंने खरीदना खरीदा आपने 10 आम उतना ही रुपया में, आपने बेचा आप 12 आम उतना ही रुपया में, तो यानी कहने का मतलब कि आपको 2 आम का घाटा हो गया। अरे 2 आम का घरे से घाटा ना है, 10 गो आम खरीदिएगा एक एक उतना ही रुपया में और बेचिएगा आप उतना ही रुपया में 12 आम, यानी 10 मान लेते हैं हम, चलिए मान लेते हैं कि 1 रुपया में आप 10 आम खरीदे और 1 ही रुपया में आप 12 आम बेच दिए, तो 2 आम का तो घाटा चला गया ना, तो घाटा चला गया यानी मतलब लॉस चला गया, हानि हो गया, तो यानी कि 2 आम का आपको लॉस हो गया। अब इस केस में हम निकालेंगे प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या है, हानि लिख दीजिए ऊपर, अब नीचे एसपी कर दीजिए और गुना 100। तो देखिए एसपी पे निकाले हैं ना, तो यहाँ पे हानि कितना है 2 आम का, एसपी कितना है आपका 12, तो 12 नीचे लिख दीजिए और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो 2 से 12 कटेगा 6 मरतबा में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 यानी 50/3, और इसको पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो 16.2/3 प्रतिशत आपको हानि हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मैं आपसे एक कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।